संकुल। टुडे वी विल लर्न स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट हिंदी एंड आवर टॉपिक इज ग्रामेटिकल गद्य समीक्षा। अब गद्य समीक्षा क्या है उसके बारे में अपने स्टैंडर्ड 8 में देखा ही होगा किस तरह से गद्य क्या है। तो एक पैराग्राफ दिया गया होता है, उसी पैराग्राफ में से हमें क्या करना होता है कि पैराग्राफ होता है उस पैराग्राफ को पूरा पढ़ना होता है। उसी पैराग्राफ में से हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने मार्क्स का जो पैराग्राफ होता है, यानी कि यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, सपोज कि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर इसके नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्लियर क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसमें दिए नीचे दिए गए हुए प्रश्न के उत्तर आप लिखिए। तो पैराग्राफ में उस पैराग्राफ को हमें पढ़ना है। सपोज कभी उसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, कभी 5 होते हैं। अगर 4 क्वेश्चन होंगे तो उसका 4 मार्क्स होंगे, अगर 5 क्वेश्चन होंगे तो उसका 5 मार्क्स होगा। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है ये कि पैराग्राफ दिया होता है, पैराग्राफ में से कुछ ऐसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं, उसी क्वेश्चन के आंसर हमें इसी पैराग्राफ में से देखना होता है। तो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, उस पैराग्राफ को मैं पढ़ रही हूँ। पुस्तक का मानव जीवन में बहुत महत्व है। मानव ने सर्वप्रथम पुस्तक का आरंभ अपने अनुभूत ज्ञान को विस्मृत से बचाने के लिए किया था। विकास के आदिकाल में पत्ते, ताड़पत्र, कांस्य पत्र आदि साधन इस ज्ञान संग्रह के सहायक रहे हैं। ऐसे पुस्तक का इतिहास स्वयं बताया है। पुस्तकें मानव को अपना अनुभव विस्तृत करने में सहायक होती है। साथ ही उन्होंने अपने पूर्वजों के सभी प्रकार के कृत्यों को जीवित और रखने की जिम्मेदारी भी संभाली हुई है। आज के युग में प्राचीन वीरों, धार्मिक महात्माओं, ऋषियों, नाट्यकारों, कवियों आदि का पता हम उन्हीं पुस्तकों के आधार से, उन्हीं पुस्तकों के सहारे से पा सकते हैं। क्लियर, ये गद्य समीक्षा है। गद्य पूरा एक पैराग्राफ दिया होता है, उसके नीचे यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं लिख सकती थी इसीलिए मैं क्वेश्चन बोलूंगी, आप उसे सुनिएगा। तो पैराग्राफ में से क्वेश्चन के नीचे दिए होंगे, उसी क्वेश्चन के आंसर हमें हमारे आंसर शीट में लिखने होंगे। कहाँ से ढूंढ के? तो इस पैराग्राफ में से ढूंढ के। तो पैराग्राफ मैंने पढ़ा और आपने सुना। इसमें से पहला जो क्वेश्चन है कि मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था, तो उसका आंसर हम पैराग्राफ में देखें तो मानव ने सर्वप्रथम पुस्तक का आरंभ अपने अनुभूत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और उसे विस्तृत बनाने के लिए किया था। क्लियर, किस तरह से पैराग्राफ में से हमें आंसर ढूंढना है। मैंने पहले एक क्वेश्चन बोला कि मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया, तो उसका आंसर भी हमें यहाँ पे मिल गया। पहले आपको क्या करना होगा, आपको पहले पैराग्राफ पूरा रीड करना होगा। अगर आप पैराग्राफ रीड करेंगे तो आपके लिए इसके क्वेश्चन के आंसर ढूंढना आसान हो जाएगा। तो उसका पहले क्वेश्चन का आंसर हमने ढूंढा, उसके बाद का उसका सेकंड क्वेश्चन है, विकास के आदिकाल में ज्ञान संग्रह में कौन से साधन थे। तो कौन से साधन थे आंसर हम देखें तो विकास के आदिकाल में पत्ते, ताड़पत्र, कांस्य पत्र आदि साधन थे। क्लियर, किस तरह से विकास के आदिकाल में पत्ते, ताड़पत्र, कांस्य पत्र आदि ज्ञान संग्रह के साधन थे। क्लियर, आसानी से हमें 2 मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 3, पुस्तकों से हमें किसकी जानकारी मिलती है। पुस्तकों से हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो यहाँ पे हम देखें तो पुस्तकों में से हमें प्राचीन वीर, धार्मिक महात्माएं, ऋषियों, नाट्यकारों, कवियों आदि का पता हमें हमारे इसी पुस्तकों के में से जानकारी में से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उपयुक्त गद्य खंड
आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, पूरा पैराग्राफ किसके ऊपर है आपको पता चला, तो पूरा पैराग्राफ पुस्तकों के ऊपर से लिखा गया है। तो उचित शीर्षक हम क्या देंगे आंसर में, पुस्तकों का महत्व, किस तरह से हमारे जीवन में जो बुक्स हैं उसका महत्व किस तरह से है उसकी यहाँ पे बात है। क्लियर, किस तरह से हमें गद्य समीक्षा को देखना है, किस तरह से गद्य के अलग अलग पैराग्राफ हमें दिए जाते हैं और उसी पैराग्राफ में से हमें क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। तो इसके लिए हम आसानी से इसे गद्य समीक्षा को सीख सकते हैं, घर में आप इसे रिवाइंड करेंगे तो अच्छी तरह से आपको ये आ जाएगा। इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, घर पे आप